नमस्कार। पिथौरागढ़ से समाचार। सीमांत के मनीष ने पहली बार में फतह कर एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। सीमांत जनपद के कासनी गांव निवासी युवा पर्वतारोही मनीष ने मंगलवार की सुबह विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर देश का झंडा फहराया। एवरेस्ट फतह को लेकर सीमांत सहित मनीष के घर में खुशी का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि पर लोगों ने शुभकामनाएँ दी हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान IMF के संयुक्त तत्वाधान में मैसिक एवरेस्ट अभियान के लिए 12 पर्वतारोहियों का चयन हुआ था। इस अभियान के लिए टीम लीडर मनीष को बनाया गया था। अभियान में 12 सदस्यों की 4 टीमें थी। तीन टीमों ने एवरेस्ट के निकट की 3 चोटियां और मनीष और सुनीता को एवरेस्ट पर चढ़ना था। 1 अप्रैल को खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर दल को काठमांडू को रवाना किया। तब से दल अभ्यास कर रहा था। मनीष ने सोमवार रात 10 बजे 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप 4 से एवरेस्ट के लिए निकले और मंगलवार की सुबह 5 बजे एवरेस्ट में झंडा फहरा दिया। मनीष पूर्व से ही आइस संस्था से जुड़े हुए हैं कि पर्वतारोहण एवं साहसिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आइस संस्था के सदस्य मनीष कसन्याल ने 2013 में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर से प्रशिक्षण लिया। 2014 में पर्वतारोहण एडवांस कोर्स किया। 2 साल पहले अति दुर्गम माने जाने वाली नंदा लपाक चोटी पर चढ़कर मनीष ने प्रतिभा दिखाई। 2020 में आइस टीम ने मुनस्यारी के बिरती फाल पर रैपलिंग कर रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मनीष की भूमिका सबसे अहम थी। आइस संस्था के सचिव वासु पांडे का कहना है कि मनीष ने पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के नैसर्गिक गुण हैं, उसके एवरेस्ट फतह करने से सस्ता और गौरवान्वित महसूस कर रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 10वें पर्वतारोही हैं मनीष कसन्याल, जिन्होंने एवरेस्ट में तिरंगा फहराया है। 10 पर्वतारोहियों में सबसे पहले हरीश चंद्र रावत वर्ष 1965 में, पद्मश्री मोहन सिंह गुंजाल 1992, सविता मर्तोलिया 1993, सुमन कुटियाल 1993, पद्मश्री लवराज धर्मसत्तु 1998 व 2021, कविता बुढ़ाथोकी 2009, योगेंद्र गर्बयाल 2017, शीतल 2017, करण ग्वाल 2018 और 10वें पर्वतारोही मनीष कसन्याल ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर जिले को और गौरवान्वित किया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में आंदोलनरत हैं NHM संविदाकर्मी। जनपद के 450 NHM संविदाकर्मी 2 दिवसीय होम आइसोलेशन में रहकर धरना दे रहे हैं। होम आइसोलेशन में जाने से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 9 सूत्री मांग को लेकर NHM कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए। आइसोलेशन में बैठकर वे धरना दे रहे हैं। कर्मियों ने मांगी पूरी न होने की दशा में आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरना देने वालों में NHM संविदा कर्मचारी संगठन अध्यक्ष चंदन पवार, महासचिव चंदन बिष्ट, मीडिया प्रभारी मोहित पंत, योगेश पंत, गंभीर मेहता सहित अन्य सभी संविदा कर्मी धरने पर बैठे हैं। स्कूल और UPCL के 102 पदों को फ्रीज किए जाने पर यूथ कांग्रेस ने आक्रोश जताया है। पिटकुल और UPCL में भर्ती के लिए जारी 250 पदों में से 102 पदों को फ्रीज कर दिए जाने के फैसले से भड़के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में धरना दिया। संगठन ने फ्रीज किए गए पदों को तुरंत बहाल किए जाने की मांग की है। घरों पर धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2016 में हरीश रावत सरकार ने पिटकुल और UPCL में रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। नवंबर 2017 में इन पदों में परीक्षा आयोजित की गई। 102 पदों को फ्रीज किए जाने से कड़ी मेहनत कर परीक्षा देने वाले युवा इसके चलते रोजगार से वंचित हो गए हैं। यूथ कांग्रेस ने फ्रीज किए गए पदों को अविलंब बहाल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि सफल युवाओं को तैनाती नहीं दी गई तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। घरों पर धरना देने वालों में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्ण महर, करण सिंह, दीपक तिवारी, प्रकाश देवली, नवीन एरी, शिवम पंत, अभिषेक कोहली, नब्बू भंडारी, विनय बल्दिया, प्रियांश कोहली, कमल भंडारी, करण लावुट, रजत विश्वकर्मा, आशीष सुरखोली, महेश धामी, नयन वाणी आदि शामिल थे। बाबा रामदेव के बयान पर चिकित्सकों में आक्रोश। बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा को लेकर दिए गए बयान से नाराज चिकित्सकों ने
चिकित्सालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर केसी भट्ट की अगुवाई में जिला चिकित्सालय में प्रदर्शन करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने अपनी जान पर खेलकर कई मरीजों की जान बचाई है। चिकित्सक रात दिन मरीजों की सेवा में जुटे हैं और अपने परिवार से दूर चिकित्सकों का हौसला बढ़ाने की बजाय बाबा रामदेव अर्गनल बयानबाजी कर रहे हैं। चिकित्सकों ने इसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। चिकित्सकों ने बाबा रामदेव के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर SSB के जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। नगर के प्रवेश द्वार HOD शिव मंदिर के निकट कपूरथारा में 55वीं वाहिनी SSB ने स्वच्छता अभियान चलाया। वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट रविंद्र कुमार राजेश्वरी के निर्देशन में वाहिनी के जवानों ने बढ़ चढ़कर अभियान में भाग लिया। साथ ही वाहिनी परिसर के नज़दीक गांव मैथाना में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट राजेश्वरी ने कहा कि समाज में हर व्यक्ति को सहभागिता निभाते हुए अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए।